मध्ये शास्त्रार्थ सभेला सुरुवात झालेली आहे। मुकुल कुलकर्णी या सगळ्या सभेचे अपडेट्स आपल्याला देणार आहेत। आसन आणि स्थानावरन मात्र या शास्त्रार्थ सभेमध्ये वाद पाहायला मिळतोय। देशभरातून साधू महंतांची या शास्त्रार्थ सभेला उपस्थिती आहे। केवल अन केवल नासिक में दक्षिण में बहती है तो ये शास्त्र नहीं है। तो आप देखो, ऐसे नहीं कहना। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। नासिक को भी दक्षिण काशी माना जाता है। नहीं, अभी चर्चा होगी कि नहीं होगी, ऐसे होगी फिर ये विरोध क्यों पड़े? चर्चा करनी तो करो। नहीं, आप अभी भी तो चर्चा कर रही, तो करें ना। आप सुनने के लिए हालत नहीं रख रही। सर, इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। ये तरह चर्चा नहीं हो सकती। इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती। ये लोग सामने खड़े रहेंगे और आप बात करेंगे, ऐसी नहीं बात हो सकती। ये हमारे धर्माचार्य हैं, आप भी धर्माचार्य हैं। इसको हमने सामने बैठे, इसको चर्चा नहीं कहते हैं, इसको विवाद कहते हैं। और ये विवाद नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हो? इस तरह की धर्म सभा नहीं होगी। क्योंकि हम लोग भी अखाड़े के जिम्मेदार लोग हैं। तो हम लोग, आप बैठे हमको खड़ा कर दिया, ये क्या बात हो गई? आप चर्चा करना नहीं चाहते? सर, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आप चर्चा करना चाहते हैं तो धर्म सभा की तरह हमने पैसा कमाना है स्टैचू बनाना है। देखो महाराज, किरण, नेमकं या वादाचं कारण काय? मुकुल कुलकर्णी आपल्याला अधिक माहिती देतील। मुकुल, इथे वाद का सुरू झाला? काय म्हणणं आहे दोनही बाजूंचं? भूमी कुठे आहे यावरून शास्त्रार्थ सभेचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं, मात्र सभा सुरू होण्यापूर्वीच वादाला सुरुवात झालेली आहे। ज्या पद्धतीने आसन व्यवस्था केलेली होती, त्या आसन व्यवस्थेमध्ये किष्किंधा नगरीहून आलेले गोविंदानंद सरस्वती हे वर बसलेले होते, मात्र इतर नाशिकचे जे साधू महंत आहेत, मध्ये दिगंबर आखाड्याचे असतील, काळाराम मंदिराचे पुजारी असतील, या सर्वांना बसण्यासाठी खाली व्यवस्था करण्यात आलेली होती आणि यावरून मोठा वाद निर्माण झालेला आहे। समोर बसलेले गोविंदानंद हे कोणी कुठल्याही पद्धतीचे शंकराचार्य नाही आहेत, ते समान आहेत, त्यामुळे ते वर बसतात आणि इतर सर्व साधू महंत हे खाली कसे बसतात यावरनं हा वाद सुरू झाला। आणि आता अनेक साधू महंत असे आहेत जे बहिष्कार टाकावा अशा स्वरूपाची देखील भाषा करू लागलेले आहेत, त्यामुळे हा वाद आता नेमका कुठे जातो यातमध्ये सभा होते। आपलं काय म्हणणं आहे? आम्ही त्यांना सांगा उठा ना, स्वामी तिथे बोलिये, बैठे, कोई आपत्ती नाही। आम्ही तिथे त्यांना अशी विनंती केली होती की मी पण एका आखाड्याचा महामंडलेश्वर आहे, आमच्या बरोबर आलेले महंत त्यांच्या समकक्ष आहेत, वरती तुम्ही कस का आसन लावलं, तुम्ही आसन वरती लावून बसू नका, एवढंच आम्ही त्यांना तिथे सांगितलं। अशा पद्धतीने शास्त्र चर्चा होणार नाही। तुम्ही सभेला उपस्थित राहणार की जाणार? आम्ही उपस्थित आहोत अजून, ते अजूनही वर बसून बोलत आहेत, खाली बसायला तयार नाही। ते काय शंकराचार्य का? आम्ही त्यांचा अहंकार नसावा, आम्ही का त्यांच्या पायाशी बसणार आहे का? पाठकजी, तुम्ही आप देखील बैठे हुए थे, आपकी क्या राय है इस पर, क्या किया जाए? भैया, मुझे तो जहाँ बैठा दिया गया, मैं धूल में भी बैठता हूँ, सिंहासन पर भी बैठता हूँ, पंडित आदमी हूँ मैं, तो इनका भी आचार्य बनता हूँ, उनका भी आचार्य बनता हूँ, मैं गृहस्थों का भी आचार्य बनता हूँ और जगत गुरुओं का भी आचार्य बनता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई आपत्ति नहीं है। वहाँ बैठा दे, यहाँ बैठा दे, काय तुमचं काय म्हणणं आहे? आमचं असं एक म्हणणं आहे की ज्या धर्मसभा आहे, अशी धर्मसभेमध्ये असं असतं की प्रत्येकाला समान न्याय दिला जातो, प्रत्येकाचं म्हणणं काय ते मानलं जातं। ज्यावेळी धर्मसभेमध्ये जो अध्यक्षपद असतो त्याच्याकडे सगळ्या कैफियत मानल्या जातात की आपल्या अध्यात्माचा जे काही हनुमंतरायाच्या जन्मस्थानाविषयी जे काही वादविवाद चालू आहे, ते वादविवाद का चालू आहे? ते शास्त्र पुराण वेदांचा आधार घेऊन त्या जे अध्यक्षपद आहे त्यांनी
त्या गोष्टी सर्व मान्य करून त्याच्यावर न्यायनिवाडा केला पाहिजे. परंतु इथं हा व्यक्ती फक्त एक श्लोक घेऊन येतो आहे. त्या श्लोकाच्या माध्यमातून हनुमंतरायाचा जन्म जो आहे झालेला अंजनेरीला ते खोडून काढण्याचा प्रयत्न करतोय. परंतु नाशिककर म्हणून आणि आम्ही एक अध्यात्माचं साधू म्हणून आम्ही या गोष्टीला आम्ही दुजारा देतोय. आणि जे काय आहे म्हणजे आपण या लोकशाहीमध्ये आपण जगतो आहोत, तर लोकशाहीमध्ये जगत असताना संविधानाच्या माध्यमातून आम्ही हे सगळं गोष्टी करायला तयार आहोत. हे यांचं सर्वांचं एकच म्हणणं आहे. आणि काय जी ज्यावेळेस आपली आसन व्यवस्था करण्यात आली त्यावेळेस ह्या गोष्टी लक्षात नाही आल्या. ज्यावेळेस आसन व्यवस्था केली त्यावेळेस या गोष्टी लक्षात नाही आल्या. नाही, आसन व्यवस्था समसमान ठेवली होती. ते आम्ही खाली असल्यामुळे वरती कोणी घेतलं माहीत नाही. पण स्वामीजींनी हट्ट धरू नये. स्वामीजी दंडी स्वामी आहे, त्यांनी समसमान बसलं पाहिजे. समविधान याचा अर्थ काय? समान विधान. आपण चर्चा करायला आलेलो आहोत, ते विद्वान आहे, आम्ही विद्वान आहे, तर समसमान बसून ही चर्चा व्हायला पाहिजे. तशी सगळी व्यवस्था केली होती, गाद्या टाकल्या होत्या, पण वरती कोणी ठेवलं कोणी बसवलं काय माहिती. हे चुकीचं आहे, एकदम चुकीचं आहे, निषेध याचा. सभा पुढे सभा ही चालू राहणार आहे, काय होणार बघू. आता चर्चा करतोय आम्ही. हे अनिकेत शास्त्री होते, यांनीच पुढाकार घेतला होता. नाशिकमध्ये अशा स्वरूपाची शास्त्रार्थ सभा व्हावी आणि या सभेमध्येच आता गोंधळ उडालेला आहे. जे आप नीचे उतरने के लिए पहले वो लोग शांत हो जाए, हम जो बोलते हैं वो लोग सुने, क्योंकि हम नीचे बैठने के लिए तैयार हैं. वो लोग सुनते हैं ना, सुनने के लिए आदत रखना है. लेकिन पहले सुनिए, वो लोग किसके लिए आया? शास्त्र चर्चा करने के लिए. हमको भी शास्त्र चर्चा ही चाहिए. ये जो माहौल है ना, हम जानता है, हमको कोई आपत्ति नहीं वो नीचे बैठने के लिए. तैयार है वो लोग स्टाफ, उसी लिए वो लोगों का मन क्या, सुनिए, वो लोगों का मन क्या है, वो लोगों को भावना क्या है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं. हमको नीचे क्या, नीचे बैठेंगे हमें वो, ये समस्या नहीं है. लेकिन पहले ही आप नीचे क्यों नहीं बैठे? पहले आपका आसन आपने ऊपर क्यों लिया? क्या पहले आप नीचे क्यों नहीं बैठे? आपका आसन आपने ऊपर क्यों लिया? हम बैठने के बाद वो लोग आया. जो यहाँ के आयोजक है अनिकेत शास्त्री, उनका कहना है समान सब लोग बैठे थे, आपने अपना आसन ऊपर लिया. ये यहाँ हम खड़े होकर एक घंटे तक खड़े हैं. कितने बजे शुरू होना था? 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम और पाठक जी एक घंटे तक निरंतर खड़े हैं. क्या है? खड़े रहा, कोई आसन पर नहीं बैठा. हम ये चाहिए कि हमको शास्त्र प्रमाण की विषय चर्चा चाहिए. हम चर्चा करने के लिए समान बैठना जरूरी. सुनिए पहले वो आते ही अग्नि पर्वत की तरफ उड़ गया. हम चाहते कि नीचे बैठे, परंतु वो लोग हमको सुने. सुनने के लिए आदत नहीं रखा तो जो भी हो हम सहन नहीं करेंगे. सुनने के लिए आदत रखना चाहिए. अभी तक हम जो बोलना चाहते हैं सुनने के लिए तैयार नहीं है वो लोग. अरे सुनिए पहले हम ही आह्वान किया. हम वो लोगों को अगौरवान्वित करेंगे क्या? वो क्यों डर रहे हैं? हम नीचे बैठने के पहले ये आसन नीचे ही लगा. आसन के लिए झगड़ा नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में बात कीजिए. लेकिन शुरुआत तो आसन के नहीं कर रहे हैं ना. अभी जो भी कारण नहीं होता है ना, आसन ठीक नहीं है, पानी नहीं मिला, यही साजिश करते हैं. हम नहीं जानते हैं क्या तिरुपति में भी शास्त्रार्थ हुआ, गोकर्ण में शास्त्रार्थ हुआ, अनेक जगहों में करेंगे. वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है. जो भी आता है ना, हम नीचे ही बैठेंगे. हमें और नहीं रुक रहे हैं वो, तो झगड़ा करने के लिए आदत है. आप लोग वही है, सामने दिख रहे हैं ना, उसी लिए हम मन शांति से बैठा. ये आधा घंटा सुनिए. अरे यदि ना मंच का कोई लाए ये नहीं है. सुनिए पहले हमको ये मुख्य नहीं है. हम नीचे बैठेंगे, हम सर्वकाल में नीचे बैठेंगे. हम बैठने के बाद वो लोग आया. वो लोग कब आया? एक घंटे हम खड़े होने के बाद यहाँ वो सुनिए पहले साधु मंत आए. इनका कहना है कि आप हनुमान जन्मभूमि के लिए नहीं, उसके लिए निधि इकट्ठा करने के लिए ये रोते के घूम रहे हैं. ऐसे बोलते रहते हैं. उसका कोई माल्यता नहीं है. हनुमान जन्मभूमि के बारे में प्रमाण लेकर यहाँ रखने के लिए बोलिए.
ये चीज है, हमारे पास सारे प्रमाण है, हम नीचे बैठेंगे, वो लोगों को चैलेंज है, इतना झगड़ा कर रही है ना, साबूत आकर निरूपण करने के लिए बोल दीजिए। ये स्थान मान, अरे मनुष्य तो जीते हैं 100 वर्ष, मर जाएंगे बाद में, स्थान मुख्य नहीं है, समझ रहे हैं ना, स्थान किसके लिए। वो इस बात से नाराज है कि आप, अरे वो कारण नहीं, आप नहीं जानते हैं। आप यहाँ 1 घंटे तक खड़े 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 हैं, हम बैठे हैं, तब बाद में वो लोग आया, हमको क्या पता है कि वो नहीं, नहीं, आसन सुनिए ना महाराज जी, आसन व्यवस्था आपको मालूम थी, सुनिए पहले, सुनिए पहले। अरे ये सभी राजनीति हम जानते हैं, अपमान किया वो किया, जो असली शास्त्रार्थ के लिए आता है ना, ये सभी चक्कर में नहीं पड़ता है। आप वो लोगों को बोलिए प्रमाण लेके आया क्या, प्रमाण लेके आया क्या, नीचे बैठेंगे सब लोग, आसन की जरूरत नहीं है, ये सभी प्रमाण लेके आए हैं, हाँ तो दिखाने के लिए। आप सुनिए, नहीं सुनिए, अरे तो नहीं, न केवल यहाँ, सब जगह में नीचे ही बैठेंगे, पहले वो लोगों को ताकत है तो प्रमाण दिखाने के लिए बोले, अरे जब वो लोग शांत होना चाहिए तब हम बोलेंगे, तब हम बैठेंगे, शांत होने के लिए बोले वो लोगों को, हम तो तैयार हैं, वो लोग तैयार नहीं है। पहले हम कुछ बात नहीं किया, वो आते 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 ही मन में ज्वलन हो गया, हम ऑब्जर्व कर रहे, प्रश्न पूछा ना समाधान दे रहे ना, प्रश्न पूछा ना समाधान दे रहे ना, प्रश्न पूछा है समाधान दे रहे ना। हाँ, हम वो लोगों के लिए 1 घंटे तक खड़े ही रहा, 1 घंटे तक खड़े ही रहा, कोई आसन में नहीं बैठा, हम बैठने के बाद वो लोग ऊपर आया, नहीं सुनिए, वो लोग सुना तो हम बोलेंगे, नीचे आएंगे, शास्त्रार्थ शुरू हो जाए, ताकत है तो आओ नीचे बैठेंगे, हमें शास्त्रार्थ में निरूपण कर लिया जाए, ताकत है तो शुरू हो जाए, नीचे ही बैठेंगे, शास्त्रार्थ तैयार हो जाए, शुरू हो जाए। गोविंदानंद स्वामी सरस्वती त्यांचं म्हणणं आहे की ते खाली बसायला देखील तयार आहे, इथे चर्चा करण्यासाठी ते आलेले होते, मात्र चर्चा करण्याऐवजी वेगळा विवाद निर्माण केला, त्यांचं म्हणणं असं आहे की यांच्याकडे कुठल्याही स्वरूपाचे ठोस पुरावे नाहीयेत, म्हणून असे वाद हे निर्माण केले जात आहेत। कॅमेरामन किरण कटारेसह मुकुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, नाशिक। त्यामुळे हनुमान जन्मस्थळाची चर्चा बाजूला राहिली आणि या शास्त्रार्थ बैठकीमध्ये वाद सुरू झालेला आहे तो आसन ग्रहण करण्यावरनं। सर्वांचं आसन हे समान पातळीवरती होतं, परंतु गोविंदानंद सरस्वती हे थोड्याशा उंच आसनावरती जाऊन पोहोचले आणि यालाच नाशिकच्या साधू महंतांनी आक्षेप घेतला। सर्वांनी समान पातळीवरती बसून, समान आसनावरती बसून चर्चा करणं महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे जर गोविंदगिरी महाराज हे खाली उतरले नाहीत तर चर्चा होऊ शकणार नाही अशी आत्ताची भूमिका आहे। त्यावरती गोविंदानंद सरस्वती यांचं स्पष्ट म्हणणं आहे की आपण कुठेही बसायला तयार आहोत, नाशिकच्या साधू महंतांकडे शास्त्रानुसार पुरावे नाहीत, जर त्यांच्याकडे हनुमान जन्मस्थळाविषयीचे पुरावे असतील तर त्यांनी सादर करावे, चर्चेला सुरुवात करावी, आसन हा गौण मुद्दा आहे। आणि काही वेळापूर्वी या शास्त्रार्थ सभेत वादाला नेमकी सुरुवात कशी झाली, कशामुळे झाली आपण पाहूया। चर्चा करिए, शंकराचार्य हमारे लिए पूजनीय है, हम उनके चरण में बैठने के लिए हमारे लायक है, आप शंकराचार्य नहीं है जो आपके चरण में हम लोग बैठ जाए। अरे आप अपने आश्रम के हिसाब से बहन जी, आप अपने अपने आपके आश्रम में बड़े हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, आपको हम सम्मान करते हैं, हमारे लिए अभी यहाँ नहीं है, आप हमारे लिए यहाँ पूजनीय सम्मानीय नहीं है, आप हम लोग को आह्वान किए, नासिकर का आह्वान किए आप हम लोग को, क्या बहन जी। महाराज जी, मैंने पहले ही बताया, चार शंकराचार्य और चार वैष्णव दिगंबर अखाड़े से, महाराज जी मैं निर्वाणी अखाड़े से, लेकिन आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप समान आसन लगा पाएंगे, ये गलत हो जाएगा, पहले ही आप धारण कर रहे हैं, हम सेवा में नहीं आप हम लोग कोई ये बैठने के लिए यहाँ आने के लिए आए, ये मीडिया बैठे सब लोग के सामने, पूरा नासिक के लिए आह्वान किए, नासिक विद्वत जन के आह्वान किए, नासिक संत समाज का आह्वान किए, आपका आपके आप शास्त्र करना चाहते हैं, आपके गुरुजन जो शंकराचार्य उनको बुलाइए, हम आप लोग चर्चा करने के तैयार है, आपके साथ में जहाँ भी बुलाएंगे
नासिक के बुलाइए, चाहे आपके कर्नाटक बुलाइए, भारत भर से कोई भी तीर्थ में बुलाइए, हम लोग हमारे विद्वजन हमारे अखाड़ा परिषद हमारे जो भी आचार आचार्य करिए, अब वो आप ये सब चर्चा करने के बाद ये कर रहे हैं, आपको खत्म हो गया तो हम बोलेंगे, आपको खत्म हो गया ना, अभी हम बोल रहे हैं, हाँ सुन लीजिए। यहाँ महंत लोग, पूज्य मंडलाधीश मंडलाधीश्वर लोग ये आज्ञा दे रहे हैं, महाराज जी आप यहाँ बैठे, जब चर्चा होता है आप हमारे लिए बोल रही है, सभी लोग समान बैठे, पहले हमें ये आसन, सब लोग सुन लीजिए, ये आसन नीचे ही रखा था, तब यहाँ लोग आकर हमको कैमरे के लिए दिक्कत होता है स्वामी जी, ये सभी छोटा कम हो जाता है करके प्रेस वाले लोग बैठिए चर्चा करिए, शंकराचार्य हमारे लिए पूजनीय है, हम उनके चरण में बैठने के लिए हमारे लायक है, आप शंकराचार्य नहीं है जी, आपके चरण में हम लोग बैठ जाए, हनुमानाचं जन्म ठिकाण, हनुमानाचं जन्म स्थळ नेमकं कोणतं यासाठी शास्त्रार्थ सभेचं आयोजन नाशिकमध्ये करण्यात आलं, परंतु मूळ मुद्दा बाजूला राहिला आसन व्यवस्थेवरनं, या शास्त्रार्थ सभेमध्ये काहीसा वाद झाल्याचं चित्र आहे। आप हम लोग को आह्वान किए, नासिकर का आह्वान किए आप हम लोग को, क्या मैं जी महाराज जी मैंने पहले ही बताया, चार शंकराचार्य और चार वैष्णव दिगंबर अखाड़े से, महाराज जी मैं निर्वाणी अखाड़े से, लेकिन आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप समान आसन लगा पाए गलत हो जाएगा, पहले ही आप तो ये शास्त्रार्थ सभेमध्ये काय घडतंय इथल्या घडामोडींकडे आपलं लक्ष असेल।